हेलो गाइज, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। पड़ोसियों के कहने पे पति ने घर में लगा दिया सीसीटीवी कैमरा और उस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में सच्चाई सामने आई पत्नी की। क्या है ये पूरा मामला, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला है, पूरा मामला जानने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये जो पूरा केस है वो किसके हक में आना चाहिए, जरूर बताइए। ये जो पूरा मामला है हमारे सामने बरेली से आ रहा है, जहां पर दीपक और पूनम नाम की एक कपल की शादी हुई थी 2-3 साल पहले, और उस दौरान ही 1 साल पहले उनके घर में एक नन्हे कदमों ने जो की है एंटर किया, यानी कि उनके घर में एक प्यारा सा बेटा हुआ। और उस दौरान ही जब दीपक अपने घर से चला जाता था तब घर के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज काफी ज्यादा हो जाती थी। उसके बाद जो पड़ोसी थे, पड़ोसियों ने दीपक को बोला कि जब तुम घर से चले जाते हो तुम्हारी बीवी जो है काफी ज्यादा तुम्हारे बच्चे को मारती है और वो काफी ज्यादा रोता है। और इस दौरान ही जब दीपक ने अपनी पत्नी से बात की तब पूनम झगड़ा करने के लिए पड़ोसियों के पास चली गई और दीपक को उसने ये चीज बताया कि वो हम दोनों में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर दीपक ने ये सच्चाई जानने की कोशिश की और सीसीटीवी कैमरा घर के अंदर लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा के अंदर जो मिली जो की वीडियो है उससे साफ तौर पर पता चल गया कि जब दीपक घर से बाहर जाता है तब वो अपने 1 साल के बेटे को एक्चुअली में मारती बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो चुप नहीं करता है और उसको आराम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और इस दौरान ही ऐसी माँ अपने बच्चे को, सिर्फ 1 साल के बच्चे को काफी ज्यादा मारती है। इसके बारे में पूनम को पता चला तब पूनम एक्चुअली में जल्दी जल्दी अपने मायके चली गई और वहां पर जाके अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। वहीं पर दीपक ने भी अपने घर के पास ही जो पुलिस स्टेशन था वहां पर जाके सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो दिखाई और मामला दर्ज कर दिया। अभी वहां के जो कि DIG है उन्होंने अभी ये मामला दर्ज कर लिया है और उनके साथ ही शिकायत लेके गए थे और उन्होंने ये चीज बताया कि जो सही होगा हम वही करेंगे, जिसके हक में जाना होगा ये मामला वही होगा। अगर दीपक ने कुछ किया है तो हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, अगर पूनम ने कुछ किया हम उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो अभी आप ही बताइए कि पूनम गलत है या दीपक। मुझे तो लगता है कि पूनम गलत है। जल्दी कीजिए कमेंट। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।